तो सब एक दूसरे को बधाई दीजिए, एंजल बनने की बधाई। थैंक यू सो मच, ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद राता जी आपका। एक बार आप सबसे कहूंगी कि करतल ध्वनि से राता जी की ओर अपना धन्यवाद अदा करें। कुर्बान हम आपकी बख्शिश पे, मकसद भी जुबा पे लाते नहीं हो, बिन मांगे देते हो और इतना देते हो कि दामन ही भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे शब्द छोटे हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपका अपने आप में अपने आप को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आप ही ने इस सभा का पूरा वातावरण बदल दिया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मेरा देश मेरी शान इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हमारे मंचस्थ महानुभावों के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया जा रहा है। उससे पूर्व नन्हे से कलाकार भी पूरे भारतवर्ष से, भारत के एक एक राज्य से यहाँ आए हुए हैं। उन कलाकारों को भी मैं आमंत्रित, घर घर तिरंगा जो रंग में हम सब रंगे हैं, उसी रंग में ये नन्हे कलाकार भी रंगे हैं। कलाकार हमारे बीच आएंगे, मंचस्थ मेहमान जो भी है वो दीप की ओर प्रयाण करेंगे। भारत देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है तो गौरी गंगा जिसकी सिखाए है। ये भारत देश का बच्चा बच्चा शंकर है, और ये भारत देश जो हमारी शान आन और बान को लिए हुए पूरे विश्व के आगे शांति गुरु विश्व गुरु बन के खड़ा हुआ है, उस देश की 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। ऐसे मंगल प्रसंग पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इन बच्चों को जल्दी से अंदर ले आइए। घर घर तिरंगा, ये कश्मीर यहाँ पहुँच गया है। तिरंगा घर घर तिरंगा, भारत माता तिरंगा यहाँ पहुँच गई है। आइए जल्दी जल्दी अंदर आइए। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, जा रहा है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिंडा झंडा मन मन गु त्रिवर्णा, रंग है क्या ये रंग मेरी शक्ति का।
ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एक का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। भोरे भोरे तिरंगा, मंचस्थ मेहमान दीप की ओर प्रयाण करेंगे और दीप प्रज्वलित करके मेरी देश मेरा शान इस सुंदर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। चीर खंड रखना है हमको, चीर अखंड रखना है हमको, अमृत विजय महोत्सव को प्राणों की उन आहुतियों पे नतमस्तक हिंदुस्तान है। ये धूल नहीं है धरा की, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। मंचस्थ मेहमानों ने निवेदन के दीपक तरफ प्रयाण कर शो, पावन भूमि पर पग रख के अब सांसों में संकल्प भरे, पावन भूमि पर पग रख के अब सांसों में संकल्प भरे, साहस की चट्टानों से एक नई नींव का विकल्प धरे, साहस की चट्टानों से एक नए नींव का विकल्प धरे। एक सुनहरे कल के पल, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर नहीं, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर नहीं, अब हम ही अगली शक्ति है ये दुनिया को फरमान है, अब हम ही अगली शक्ति है ये दुनिया को फरमान है। सौ जन्म भी जिस पर कुर्बान है, सौ जन्म भी जिस पर न्योछावर है, ये देश मेरा महान है, ये देश मेरा महान है। धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। भारत माता की आन बान और शान में आज ये दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिरैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। आप सर्व जोरदार तालियों से इस राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जोरदार तालियों से इस गगन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। तक दुनिया जिसे पुकारे, कला जहां की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी, आंचल में तहजीबे जन्ने जिसकी अदा रूहानी, सात बार नौ त्योहारों का भारत वर्ष महान। है हंसी खुशी की बोली, हो राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली, हाँ रंग बिरंगे लोग। खूब खूब धन्यवाद मंचस्थ मेहमानों का।
एक एक दिया इस भारत को रोशन करेगा। ये दिया विश्व का अंधेरा, विश्व के लिए प्रकाश का प्रतीक बनेगा। ये सुंदर प्रोग्राम अपना विधिवत उद्घाटन कर चुका है। ऐसे समय में हमारे बीच एक विशेष व्यक्तित्व उपस्थित है, आदरणीय कुसुम दीदी ने जिनको विशेष सम्मान और सत्कार किया, उनसे भी विशेष बात मैं आप सबसे कहने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि बंसी बजाने वाले हाथों ने समय आने पर स्वदर्शन चक्र भी उठा लिया था। सुर सम्रांगिनी लता जी ने जब ए मेरे वतन के लोगों गाया था तब भारत देश रोया था। आज भारत देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब इस विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी पर है कलाकार, और जिनकी कला पूरे भारतवर्ष में जन जन तक और आपके जेब में पड़े हुए छोटे मोबाइल में भी जिनका व्यक्तित्व, जिनका चेहरा आपने YouTube पे देखा होगा, आज वह व्यक्तित्व हमारे बीच है। और राष्ट्र के सम्मान और सत्कार के लिए आपने भी अपना योगदान दिया है। एक सुंदर गीत आज आपका यहाँ से, इस मंच से, श्रद्धे दीदी जी के हाथों से आ रहा है। दोनों हाथ उठा लेंगे सभी और आदरणीय दीदी जी क्लिक करेंगे। और आज गुजरात में पहली बार ऑफिशियल लॉन्चिंग होने जा रही है इस गीत की। भारत सॉन्ग है, इंडिया सॉन्ग है। आदरणीय दीदी के द्वारा क्लिक कर दिया गया। और कहानी बड़ी ही सुंदर एक, कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आधे मध्य अंत का राज बताता हूँ, राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहां विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहां विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहां विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहां विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, और देवी थी संस्कृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में थे मर्या
दादा पुरुषोत्तम सब थे, सब में वहां मर्यादा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम सब थे, सब में वहां मर्यादा, इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा, इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा, उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने, माता कह के बुलाते थे, रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे, रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे, सृष्टि के आदि काल में। भाषा थी हिंदुस्तान की, मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की, बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की, बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की, भव्यता पर अब उसके भव्यता पर अब थे होने लगे प्रहार, फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार, फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार, करता गया वो सहन सभी को इतना था बलवान, क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान, सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आजादी पाई, सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई, सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई, सृष्टि के आदि काल में। एक बार जोर से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इस गाने के सम्मान के लिए, परमात्मा के लिए, भारत के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं और साक्षी हैं कि हमारे सामने हम भी शरीक हुए इस उद्घाटन, इस ओपनिंग सेरेमनी में, और अब आगे का जो गीत है, इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो आधार मूर्त हैं, हमारे आदरणीय हरीश मोयल जी स्वयं मौजूद हैं, तो हम क्यों ना उनकी ही जुबानी इस गाने की कहानी सुने। और ये गाने को बनाने के लिए 8 महीनों का हार्डवर्क लगा है, 8 महीने हार्डवर्क। एनिमेशन में एक सेकंड में 30 फ्रेम होते हैं, मतलब 30 फोटो को एडिट करना पड़ता है, कई बार लिखा गया है कई बार, क्योंकि भारत का इतिहास लिखना था, एक गरिमा की बात है, गौरव की बात है, तो कई बार इसको लिखा गया, फिर करेक्शन हुए, इस प्रकार से 8 महीने एनिमेशन में, लिरिक्स में सब लगे। और गायकी का जो आपने सुना है तो वो तो शब्द ही नहीं है, हम सब निःशब्द हैं। और अब मैं निवेदन करूँगा भाई जी आगे की लाइन हमें सुनाएं और कुछ उसके चंद अनुभव भी सुनाएं। आदरणीय भाई साहब जोरदार क्लैपिंग के साथ। थैंक यू। पहले तो आप सब बैठ जाइए आराम से। शक्ति भाई सबसे पहले सबको खड़ा करके ताली बजाने लग जाते हैं। सबसे पहले तो दीदी का शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया, आप सभी मंचासीन जो सब मेहमान हमारे आदरणीय हैं उनका शुक्रिया, आप सब जो आए उनका शुक्रिया।
मैं भोपाल में होने वाला था आज, और एमपी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ये गाना ऑफिशियली लॉन्च करने वाले थे, बट किसी कारण से वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। वहाँ पे ट्राइबल प्रोग्राम होने वाला है। सो मेरा मन में आया कि मैं, शक्ति भाई ने बोला वहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने बोला मैं गाना वहीं लॉन्च करूँगा महसाणा में, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने शुभ भावनाएं मिली गाने को। वैसे कल ऑफिशियली माउंट आबू से रिलीज़ होगा, उसके पहले आज हमने यहाँ पे रिलीज़ किया है। ये गाने को लिखा है सपना दीदी ने, जो कि पूरा जीवन बाबा की सेवा में उन्होंने लगाया है, ORC दिल्ली से, और एनिमेशन भी माउंट आबू से हुआ है। मेरा बहुत मन में इच्छा थी कि हर बार 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे देशभक्ति के गाने बजते हैं और फिर अगले दिन भूल जाते हम, तो एक ऐसा गाना बने जिसमें भारत का इतिहास हो, जिसमें भारत की वो बातें हों जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान या ब्रह्मा बाबा या कहें परमेश्वर खुद आके हमें देते हैं कि क्यों भारत, किन कारणों से हम, सही बात तो ये है कि थोड़ा पीछे हुए हैं, हमें कितना लूटा गया, लेकिन हमारे संस्कार भी परिवर्तन हुए। आज देवीय संस्कारों की जहाँ तक बात हो तो देवीय संस्कार हमारे शायद अब पतित हो गए हैं। आए दिन हमारे सर बैठे हुए हैं जो डिपार्टमेंट्स में, ऐसी ऐसी खबरें आती होगी, ऐसे हमने अपने अंदर कितने अपराधियों को जन्म दे दिया, तो क्यों ना हम इस गाने के माध्यम से थोड़ी सेवा कर पाएं कि कुछ लोगों का मन परिवर्तित हो जाए और शायद वो देवता बनने की राह पे निकल पड़े सबके साथ में दीदियों की बात सुन के। तो कुछ लाइनें आखिरी की, 9 मिनट का गाना है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर सुनिएगा यूट्यूब पर जाके। वो देश कोई जमीन नहीं ना चीजें आलीशान, वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। हे देशवासियों देखो जरा हम पूरी तरह आजाद है, भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है, मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। संस्कार परिवर्तन से ही ये बदलेगा संसार, वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को सवारेंगे, हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे, हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाइयों बहनों, आ ए आवाज हतो जे सीजन 1 इंडियन आइडल ना फाइनलिस्ट रहेला छे ब्राता हरीश भाई मोयल जी। आपणे भाग्यशाळी छीए, एवुं कहेवाय छे के केक करता केक ऊपर राखेली चेरी हमेशा आकर्षक होय छे। परम आदरणीय ब्राता आपणी वच्चे उपस्थित छे ત્યારે હું એવું કહીશ કે શક્તિભાઈ ભલે કેક હોય તો એ કેકની ચેરી આપ છો હરીશભાઈ, અને એટલે આપ અમને વિશેષ પસંદ છો, આપની મીઠાસ એ અમારા સુધી પહોંચે છે, કારણ કે આપ મુખ સે નહીં ગાતે, આપ દિમાગ સે નહીં ગાતે, આપ દિલ સે ગાતે હે ઓર દિલ કી બાત દિલ તક પહોંચતી હે, યે હમને અક્સર પાયા હે। हूँ बात करती थी आपना परिचय नी, श्रद्धे आदरणीय सरला दीदी जी ना हाथे जे गीतनु आजे विधिवत उद्घाटन थयु छे, ए गीतनु लॉन्चिंग आजे आपड़ा आ सभा मंडप मा थी जयु छे अने ए विश्व सुधी पहुँचवानु छे। आ कलाकार आपड़ी पासे कशुज नथी मांगता, परंतु आप सौ ने हूँ कहीश के आप सौना खिस्सा मा मोबाइल छे, आ गीत ने एक वार सांभळजो अने लाइक करजो, ए आ कलाकार प्रत्ये आपणा सौनुं ऋण अदाई हशे। एटले भाईओ बहनों घरे जईने पहेलुं काम आ कलाकारनी ऋण अदाईनुं करशो, कारण के ए अहींया आवानो कोई चार्ज नथी लेता, कलाकार तो मात्र आवी वातोथी ज राजी थई जता होय छे, अने आपणा सौ आपणे एक गीतने आपणा
આપણા ગ્રુપમાં આપણા મિત્રોમાં શેર કરીશું અને સીમાઓ પાર પહોંચાડીએ, એ આંકડાઓને કરોડોમાં ફેરવી દઈએ એટલી વાર એ ગીતને સાંભળીએ. કારણ કે આ ગીત ભારતની યશોગાથાનું ગીત છે, આ ગીત આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ માટે લખાયેલું ગીત છે, આ એક નાનકડા કલાકારનો પ્રયાસ છે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે પોતાની ભાવનાને સમર્પિત કરવાનો. એટલે આજે આ મંચ આપને સન્માની રહ્યો છે. શ્રદ્ધે સરલા દીદીજીના કરકમલો દ્વારા આપનો સન્માન અને સત્કાર થવા જઈ રહ્યો છે. સમગ્ર મંચ આ સત્કાર સન્માનમાં પોતાનો સૂક્ષ્મ સહયોગ સાકાર કે અસાકાર રૂપે આપી જ રહ્યો છે. આપણે સૌ પણ કરતલ ધ્વનિથી આ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમને વધાવશું અને ઘરે જઈને સૌથી પહેલા આ ગીતને પૂરું સાંભળીશું અને લાઈક કરીશું. जैसे चंदा मुस्कुराए, शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से इंडियन आइडल सीजन वन ना टॉप फाइनलिस्ट हरीश भाई, आप सन 1911 में बेस्ट सूफी सॉन्ग नो अवार्ड प्राप्त करे छे, तेमज सारेगामा म्यूजिक, सी म्यूजिक, टाइम्स म्यूजिक वगैरे तमा आपे अनेक गीतो गाया छे. માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વમાં આપને આપના કાર્યક્રમો આપ્યા છે. સ્નેહ પુષ્પ સે મહેક બ્રહ્મા કુમારી સંસ્થાના અધ્યક્ષ આદરણીય સરલા દીદી અને મહેસાણા શહેરના પ્રતિષ્ઠિત ગ્રામજનો આજે આપનું સન્માન કરી રહ્યો છે. ઐશ્વર્ય ગોલ્ડ મેડલ આપ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છો ભગવાનના ઘરેથી. આપ સૌ જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી હરીશભાઈના આ ગોલ્ડ મેડલ સન્માન સત્કાર સમારંભને વધાવશો. ભારત ભૂમિનો સૌથી પહેલા કલાકાર આજે વર્તમાન કલાકારના હાથમાં છે. આ ટ્રોફી છે જે આપની સંગીત પ્રત્યેની સમર્પિતતાને અર્પિત કરે છે. પાવન વેલા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કિસ્સો કેવો સરસ મજાનો, બે વ્યક્તિ સુખી થયાનો, પલ્લુ તમારા તરફ નમાનો, તમને આનંદ છે, અમને આનંદ ઉપર ઉઠ્યાનો છે. કરતલ ધ્વનિથી એકવાર આ મહેસાણાની ધરતી આ કલાકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપે છે, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપે છે, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપે છે. અને એક દ્રઢ સંકલ્પ લઈએ છે કે આ ગીત આપણા દરેક ગ્રુપમાં પહોંચવું જોઈએ, વ્યક્તિ વ્યક્તિથી એ લાખોની સીમાઓને પાર કરવું જોઈએ અને કરોડોના આંક સુધી પહોંચવું જોઈએ. એમાં આપણા સૌનું એક એક વ્યક્તિનું યોગદાન એમાં હશે એ આપણે ક્યારેય નહીં ભૂલીએ. અને હવે આ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આપણી વચ્ચે એસપી સાહેબ ઉપસ્થિત છે, જે ક્યારના એ મૌન છે પરંતુ મનથી મુકરર છે. આપની ઉપસ્થિતિ એ દેશ પ્રેમ દર્શાવે છે અને આ વિદ્યાલય પ્રત્યેનો આપનો સન્માન અને સત્કારનો ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. ભ્રાતાજી, આપ આપના શુભ બોલ દ્વારા આજના આ કાર્યક્રમને અને આ સભાને સંબોધશો. પરમ આદરણીય ભ્રાતા અચલ ત્યાગી સાહેબ. મંચ પર આસીન બધા મહાનુભાવ, આજે આપને પ્રોગ્રામમાં જોડાયા જેટલા બી સબ છે, બ્રહ્મકુમારીઝના ફેમિલીના કુટુંબના મેમ્બર છે, બધાના ફરીથી એકવાર અભિનંદન કરું છું, આભકારું છું. આજે મને બહુ હર્ષની લાગણી થઈ છે કે એવી સરસ જગ્યા આવવાનું મને મોકા મળ્યા. અને હું અત્યારે આ મહેસાણામાં થઈ ગયા છે, મને 4 મહિના જોઈન કરેલા, અને અહીંયા જો આજે મોકા થયા છે તો હું એના ક્રેડિટ આપની મધરને આપું છું. ચૂંકિ મારી મધર મારે જોડે રહેવા માટે આવી છે 1 મહિના પહેલું, અને એ શહેર મેં બ્રહ્મકુમારી આપના અહીંયા આવી હતી અને એના આગ્રહ હતો કે તમે બહુ સરસ જગ્યા છે, તમે એકવાર ત્યાં જવાનું હતું. એના પછી મારા એકવાર બધા આપના આશ્રમના માણસ ત્યાં બી આવ્યા હતા,
એની જોડે વાતચીત થઈ તો આજના પ્રોગ્રામ બન્યા અને આ આવીને મને લાગે છે એક બહુ જ સરસ સરસ આયોજન જોવા મળ્યા છે. તો આપ બધાના અભિનંદન કરું છું આ માટે. સાથે સાથે શક્તિભાઈને આજ બહુ જ સરસ એક શું કહે છે એક્સપેરિમેન્ટેશન કરાયા બધાને. અને આ બહુ જ સરસ વાત છે અને સહી વાત છે કે આપણે બધા પાસ્ટને લઈને આપણા ભૂતકાળને લઈને નાની મોટી વાતોને મગજમાં રાખીને બહુ જ લોડમાં રહે છે. તો એના જો એક્સપેરિમેન્ટ હતા હું ખરેખર માનું છું એક આપણા બધાને એક રિયલાઇઝેશન આપે છે કે બહુ પાસ્ટનો લોડ નહીં રાખવાનો, એને ઉતારીને ફેંકી દેવાનો છે અને એક સરસ રીતે લાઇટ મન મગજને એકદમ લાઇટ કરીને આગળ વધવાનો છે. તો હું ફરીથી એકવાર અભિનંદન કરું છું અને ધન્યવાદ આપું છું શક્તિભાઈને કે એટલા સરસ આપણે બધાને એક માર્ગદર્શન આપ્યા છે. સાથે સાથે હું ફરીથી સરસ અભિનંદન આપું છું હરીશભાઈના કે એટલા સરસ ગીત અને એટલા સરસ મોકા પર. આજ 4 તારીખ છે, કાલે આપણા સ્વતંત્રતા દિવસના આયોજન છે, તો એ સમયમાં બધા માણસ આપણે દેશને આપણી સંસ્કૃતિ માટે એક સરસ લાગણી રાખે આ માટેના એક સરસ ગીત જો બધાને પ્રાઉડ ફીલ કરાવે છે આપણી સંસ્કૃતિ માટે, એના ગીતના આજે શું કહે છે ઇનોગ્રેશન થયા છે, એના એના રિલીઝ થયા છે અહીંયાથી, તો આપણી સંસ્થા માટે બી અને એના માટે બી એક બહુ ગર્વની વાત છે. હું આશા કરું છું એના ગીત આગળ વાલે આને વાલે સમયમાં બહુ સરસ રીતે વાયરલ થાય, બધા એને સાંભળે. અને કાલે 15 તારીખે એક નવા ગીત, જેવી રીતે અમુક ગીત છે જો એકદમ પ્રાય બની ગયા છે 15 ઓગસ્ટ માટે, એના એ ગીત બી 15 ઓગસ્ટ માટે આપણા સ્વતંત્રતા દિવસ માટે આપણે ગણતંત્ર દિવસ માટે એક પ્રાય બનશે. બાકી જેવી રીતે અગાઉમાં શક્તિભાઈ કહેતા હતા અનેકો વ્યવસ્થા છે, અનેકો સંસ્થા છે, તો તમારા બ્રિજ બની રહ્યા છે, સ્કૂલ બની રહ્યા છે, કોલેજ બની રહ્યા છે, પર સરસ કેરેક્ટર સરસ વ્યક્તિત્વ બનાવવા માટે જો એક એક સંસ્થા છે જો ખરેખર આ ક્ષેત્રમાં બહુ જ લાંબુ સમયથી કામ કરી રહી છે એવી રીતેના કામ બ્રહ્મકુમારી કરી રહી છે, આપણા બધું મળી જશે, પર એક સરસ વ્યક્તિત્વ જ્યાં સુધી આપણે નહીં મળે તો આપણા ડેવલપમેન્ટના કોઈ અર્થ નથી. તો એક સરસ વ્યક્તિત્વ બનાવવા માટે એક બહુ મોટા યોગદાન આપણી સંસ્થા કરી રહી છે, હું એને બહુ બહુ શુભેચ્છા આપું છું. એવી રીતે સંસ્કાર અને કેરેક્ટર દેશમાં મળતા રહે, દેશના યુવાઓને મળતા રહે. કેરેક્ટર બિલ્ડિંગના જો કામ છે એ એટલી સરસ રીતે ચાલે તો આગળ આને વાલે સમયમાં આ દેશ જો છે આ બહુ જ સેફ સુરક્ષિત હાથોમાં છે એ હું કામના કરું છું. આજે બહુ જ સરસ પરફોર્મન્સ આપણે જોવા મળ્યા. પહેલે આપણા જો પ્રસ્તુતિ થઈ આપણા શું કહે છે સ્વાગત માટે અને એના પછી સ્વતંત્રતા દિવસ ઉપલક્ષમાં નાના બાળકોને જો એ સરસ પરફોર્મન્સ કરેલા છે તો એકવાર ફરીથી તાલીઓથી ગડગડાટથી એના બધા સ્વાગત કરે. અહીં ચલા થા જાની બે મંઝિલ મગર, મેં અકેલા હી ચલા થા જાની બે મંઝિલ મગર, દોસ્ત મિલતે ગયે કારવાં બનતા ગયા. તો એવી રીતેની આજના પ્રોગ્રામ રહ્યા છે. સંસ્થાથી મને જોડવા માટે મોકા મળ્યા અને હું આશા કરું છું એવી રીતેના આગળ પ્રોગ્રામ મને એમાં આવવાનો મોકા મળશે. મહેસાણા પોલીસ બધાની સુરક્ષા અને સેવા માટે કટિબદ્ધ છે. કોઈ માણસ હોય, નાના મોટા પ્રસંગ હોય, કોઈ મહિલા હોય, કોઈ છોકરી હોય, નાના મોટા પ્રસંગ રહે છે, કોઈ બ્લેકમેલ કરતા હોય, કોઈ અભદ્ર મેસેજ કરતા હોય કોઈ છોકરીને, કોઈ છોકરા એને કોઈ બ્લેકમેલ કરતા હોય, કોઈ કોઈ કેવી રીતેના ફ્રોડ થઈ ગયા હોય, મારી બધા યુવા જો માણસ છે અહીંયા એને સામે ફક્ત એક મારા એના ભાઈ તરીકે બ્રધર તરીકે એક નિવેદન છે, આપઘાત કોઈ બી પરેશાનીના હલ નથી. કોઈ બી માણસને મગજમાં આવતું હોય, યંગ છોકરાઓના છોકરીઓને મગજમાં આવવું આવે છે, કોઈ એક્ઝામ ફેલ થઈ ગયા હોય, પાસ નહીં થયા હોય, કોઈ જ્યાં જગ્યા એની મરજી હોય એવી જગ્યા એડમિશન નહીં મળેલા હોય, કોઈ પ્રેમ પ્રસંગ બળી ગયા, કોઈ પ્રેમ પ્રસંગ બગડી ગયા હોય, યા આપને ઘર કંકાસ ચાલતો હોય, તો આપઘાત કોઈ કારણ હલ નથી. તમે કોઈ આપણા પરિજનને, આપણા મિત્રને, આપણા જેની સાથે તમે
सरस लागणी होय एनी जोड़े बात करो अने तमे लागता होय के कोई एवी रीतेना माणस नथी तो तमे 100 नंबर पर कॉल करीने पुलिस थी मदद मांगी सको छो। पुलिस बद्दा माटे तमारे माटे कार्यबद्ध छे। एक सरस प्रोग्राम मने जोवा मळ्या छे एना माटे बद्दाना फरीथी अभिनंदन करूं छूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। खूब खूब दिल थी धन्यवाद एसपी साहब आपका। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में आप अकेले आए थे लेकिन आज ये ईश्वरीय परिवार आपके साथ जुड़ गया है। आप भले मेहमान बन के आए पर आज यहाँ से भाई बन के जा रहे हैं। अब एसपी साहब हमारे भाई बन गए हैं। हम जानते हैं कि फ्रंट लाइन वॉरियर आप रहे हैं और इससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। भ्राता जी अब ये ईश्वरीय परिवार आपका परिवार है। आज तक मेहमान थे पर अब से इसी घड़ी से आप हमारे भाई बन चुके हैं। पुनः पुनः ये भगवान का घर आपका है और पधारते रहिएगा। अने हवे हूँ आमंत्रित करूँ छू कुमारी पायल ने जे फरी थी देशभक्ति द्वारा पोतानी प्रस्तुति अपनी सामे बतावे छे। कुमारी पायल देशभक्ति नु एक सुंदर नृत्य लईने आवे छे। ए मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चंदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहां भी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी है तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम लाते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। टिंग 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 खिला खिला ले और मोहित रंग दे बसंती आरा मोहित रंग दे बसंती झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। देश मेरे देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे देश मेरे मेरी शान।
जाने तू ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम तेरी आहों में जा तक लुटा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बेटे अपने जरूर की चढ़ा जाएंगे ए वतन ए वतन। खूब खूब धन्यवाद अनानकड़ा कलाकारों। एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे भी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जो अपने मम्मी पापाओं के साथ में यहाँ आते हैं और आज देश के देश प्रेम के रंग में रंगे हुए आप सब देख रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूँगी परम आदरणीय माननीय भगिनी शर्मिष्ठा बहन जी को कमिश्नर गुजरात राज्य अहमदाबाद से पधारे हैं। आप आज इस प्रसंग के अनुरूप अपने दो बोल हम सब के सामने रखेंगे बहन शर्मिष्ठा जी। शांति। मंचस्थ मेहमानों सज्जनों अने सन्नारियों आज ने आजे देशनी पूर्व संध्याए आजे देशनो 75मो जन्मदिवस आपणे उजवी रह्या छीए। आपणे जे जे देशनो जन्मदिवस उजवी रह्या छे ते देशनी केटली टेक्नोलॉजी केटला शिक्षण क्षेत्रे केटलाक खेल क्षेत्रे अने आध्यात्मिक क्षेत्रे આપણે આગળ વધેલા છીએ તે મારે તમને કહેવું છે। આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે ખાસ કરીને બ્રહ્માકુમારીનું વટવૃક્ષ જે ઊભું થયું છે અને પાંગળ્યું છે તે ખૂબ જ આનંદદાયક છે અને તેમાં ડોક્ટરો વકીલો સમાજના તમામ વર્ગો કોઈ પણ જાતના જ્ઞાતિભેદ વગર જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે તે ખૂબ પ્રશંસનીય છે। આજે દેશના 75મા જન્મદિવસે અને દેશની શાન અને આગાન જે બતાવે છે તે ખૂબ જ અભિનંદનીય છે। આજે સરલા દીદીએ અને અમને જે મંચસ્થ મહેમાનોને આમંત્રિત કર્યા છે તે બદલ હું આપનો આભાર માનું છું, બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાનો આભાર માનું છું અને વિરમું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બહેન આપનો। માન્ય ભ્રાતા દશરથભાઈ પટેલ આપની શુભ ભાવનાઓ અમારી સામે આપ રાખશો। ઓમ શાંતિ। આદરણીય સલાહ દીદી મહેમાનો પધારેલા આમંત્રિત સભ્યો આજે સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ આપણને અહીંયા બેનશ્રીના આમંત્રણથી આવવાનું થયું છે। મારી આ માટેની શુભ સંદેશ છે, સંસ્થા જે રીતે વિકાસ કરી રહી છે અને જે રીતે દેશના વિકાસમાં એનો સહયોગ છે એ માટે આ સંસ્થા ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે। હું આ સંસ્થા સાથે 1964-65થી જોડાયેલો છું। સંસ્થાની પ્રગતિ મારી નજર સમક્ષ છે અને હું જોઉં છું કે આ સંસ્થામાં ખરેખર પરમાત્માનો સાથ છે એવું લાગે છે। બધું ચમત્કાર છે અને ચમત્કાર ના કહેતો એક દિવ્યતા આપણને જોવા મળે છે। આ સંસ્થાનો સતત વિકાસ થતો થાય અને આપણે સૌ એમાં સામેલ થઈએ એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી તમને બધાને વિનંતી કરું છું। જય હિન્દ જય ભારત। ભ્રાતા કેશુભાઈ પટેલ આપણને શુભકામનાના બે બોલ કહેશે। ઓમ શાંતિ। ભારત માતા કી જય। આદરણીય સરલા દીદી, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો અને સામે બેઠેલા સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, આજનો કાર્યક્રમ ખૂબ લંબાઈ ગયો છે પરંતુ બે મિનિટ અમે ઊભા થયા છીએ તો કંઈક કહેવું પડશે। આજે ઘેર ઘેર ધ્વજ લાગી ગયો છે બધાના, નહીં લાગ્યો હોય તો આવતીકાલે બધા લગાવી દેજો। આ ધ્વજ એ માત્ર ધ્વજ નથી, આપણી ધર્મ ધજા છે, આ યાદ રાખજો। એ ત્રણ કલરના ટુકડાથી બનેલો
एक कापड़नो टुकड़ो नहीं, भारतनी आन बान शान बधु अमो समायेलू छे, आपणो एक प्रतीक छे, राष्ट्रीय प्रतीक, एनो आखो इतिहास खूब गौरव भरेलो छे, परंतु अहीं समयनो अभाव होवाथी अमे कशुं कहेता नथी, परंतु आ ध्वजनी साचवानी जवाबदारी तमारी रहेशे, कारण कि आजे लगाई तो दीधो, परंतु ए उतर्या पछी गमे ते स्थितिमां थई जाय, फाटी जाय अथवा एनो गमे ते रीते अव्यवस्थित थई जाय तो केवी रीते निकाल करो, एनी पण चिंता लोकोए करी छे, अने तमे मोबाइलमां के बधी जग्याए सोंभळ्यु छे। तो आवो अव्यवस्थित ध्वज शानपूर्वक उतारी, सारी रीते एने पेक करी, अपारदर्शक थैलीनी अंदर मूकी अने एनो अग्नि संस्कार करजो, जेम कोई इज्जतपूर्वक कोई व्यक्तिनो आपणे अग्निदाह करीए ते इज्जतपूर्वक आनी शान जाळवी अने एनुं रक्षण थाय, एनी शोभा वधे ए रीते एनो अग्नि संस्कार करजो। અહીંથી ઘણું બધું કહેવાય ગયું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વિશે, સાહેબે મોટિવેશનલ સ્પીકર આપણા, એનો એક દાખલો તમને આપી દઉં આપણા ઘરની અંદર, તમે તો આપણે તો બધા વિદ્યાર્થીઓ આ જ કક્ષાના છીએ, જે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે બધા આખી સંસ્થા એ રીતે ચાલી રહી છે મનોવૈજ્ઞાનિક ઉપર, તો સબકોન્શિયસ માઇન્ડનો પાવર બધાને ખબર છે, આપણા ઘરની અંદર કોઈ લગ્ન હોય, 29 તારીખે લગ્ન હોય, એ પહેલો આપણે મુહૂર્ત જોઈએ છીએ, તો મુહૂર્ત જોયા પહેલેથી એ દિવસથી એ કાર્યક્રમની ચિંતા, લગ્નની ચિંતા કરતાં 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 બધા લોકો આપણે વ્યવસ્થા ઊભી કરીએ, લગ્નની કંકુતરી નોંધાવીએ, વાડી નોંધાવીએ, મેનુ તૈયાર કરીએ, કપડોની ચિંતા, ડિઝાઇન, સિલાઈ, આ ને આ બધું કરતાં 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 સ્ટેટ 29 તારીખ સુધી પહોંચીએ છીએ, ત્યાં સુધી ઘરના કોઈ વ્યક્તિને તાવ પણ આવતો નથી, એનું કારણ શું? કારણ શું? 29 તારીખે લગ્ન પતી જાય, કન્યાની વિદાય કરીએ પછી બધા થાકીને ગોથોળ થઈ જઈએ છીએ, એનું કારણ શું? થાકી જઈએ ને, લગ્ન પત્યો, હા સૌ શાંતિ, પરંતુ જો 29 તારીખે દીકરીનો લગ્ન હોય અને 31 તારીખે પાછો દીકરાનું લગ્ન હોય તો આ જ ટીમ 31 તારીખ સુધી પાછી પહોંચશે, તેઓ થાક લાગતો નથી, 29 તારીખ 31 તારીખ સુધી પહોંચશે, 31 તારીખ પછી પાછા તમે થાકી જશો, પરંતુ આ સમય દરમિયાન જે જોડો ચાર હતો લગ્નજીનો થયો છે એ પાછા થાકતા નહીં, એ અઠવાડિયા સુધી પાછો વાયણો ખાઈ જ હોય છે, એમને થાક લાગતો નથી, કારણ શું? બધું જ કારણ આપણે સમજીએ છીએ ને, આ સાહેબે વાત કરી મોટે સ્ટેશન સ્પીકરે, એમાં બધું આવી જાય છે, સબકોન્શિયસ માઇન્ડની અંદર તમે જે મૂકશો એ એકદમ સાક્ષાત્કાર થાય છે, પાવરફુલ માઇન્ડ છે એનો સદુપયોગ કરીશું, અને આ સંસ્થા દ્વારા જે જ્ઞાન મળે છે એ જ્ઞાનનો પણ આપણા જીવનમાં સદુપયોગ થાય, એ જ અસ્તુ, ભારત માતા કી જય, ઓમ શાંતિ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભ્રાતાજી, આશા આપને યાદ કરે છે અને હંમેશા શાંતિ આપ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહો છો, અમે જાણીએ છીએ કે આપ ઇન્સાયક્લોપીડિયા છો, પરંતુ સીમાની ગરિમાને તો આપ જ જાળવો છો, ધન્યવાદ, પુનઃ પુનઃ ધન્યવાદ। હું આમંત્રિત કરું છું કુમાર વિવેકને, એક સુંદર નૃત્ય લઈને આપણી વચ્ચે આવે છે, અને ત્યારબાદ શ્રદ્ધે સરલા દીદીજીના આશીર્વચન સાંભળીશું અને કાર્યક્રમ પૂર્ણ થશે। પરંતુ આજે મેં શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે આજનો આ કાર્યક્રમ એ આપણા માટે નથી, દેશ માટે છે, અને દેશ માટે આપે સમય આપ્યો છે, દેશ માટે આપે આ મંચ પાસેથી કંઈક લીધું છે, દેશ માટે આ કલાકારે પોતાની કલાઓ પ્રદર્શિત કરી છે, અને એ કલાકારો પ્રત્યે ઋણ ચૂકવવાની ફરજ આપણા સૌની છે। તો આવો એક ફરીકથી નાનકડા કલાકાર દ્વારા એની કલાને આપણે માણીએ, કુમાર વિવેક। शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा,
दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। कुमार विवेक ने विवेक सवारथी अहीं सेवामां उपस्थित हतो जेने आजे खूब अहीं सेवा करी छे आ हॉल में अने समय आवे आवुं सुंदर नृत्य पण करी जाण्युं छे खूब खूब धन्यवाद। एसपी साहब ये रोज यहाँ पे आकर के ध्यान योग सीखता है बहुत बहुत धन्यवाद इन नन्हे कलाकारों का। और अब यहाँ उपस्थित इन छोटे छोटे बच्चे जल्दी से भाग के मंच पे जाएंगे। अब तक दुनिया जिसे पुकारे कला जहां की लासानी अपने ताड़ियों तो पाड़ी सकिए आंचल में तहजीबे जन्नी जिसकी अदा रूहानी सात बार नौ त्योहारों का भारत वर्ष महान धन्यवाद। आ मंच आ नानकड़ा कलाकारोनो दिल थी धन्यवाद करे छे दिल थी धन्यवाद करे छे। विचार करो राष्ट्र माटे आ नानकड़ा बाड़को पण पोतानु योगदान आपे छे आपे आ मंच पर जोयुं अहींया सौ कोई पोतानु योगदान आपे छे अने त्यारे हूँ कहीश के परमात्मानी आर्मीना आ मेजर साहेब परम आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदीजी जे उपस्थित थया अने राष्ट्र प्रेम ने माण्यो जाण्यो समझ्या अने जीवन में उतार्यो
परंतु आपना आशीर्वाद वगर बधुज अधूरू छे। एक कतरा भी मैं किसी गौर से ना लूँ, एक कतरा भी समंदर है अगर आप जो दे, तो आओ ए आशीर्वाद द्वारा अंते आपड़ा जीवन ने आपड़े धन्य बनाविए। श्रद्धे राजयोगिनी सरला दीदी। ओम शांति। विश्व रचयिता सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान प्रिय आत्मन, आज का ये सुंदर कार्यक्रम मेरा देश मेरी शान, इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित सर्व महानुभाव माननीय वक्तागण, विशेष कार्यक्रम की शोभा माउंट आबू से पधारे हुए राजयोगी ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई, ये बाबा की वो आत्मा है जिसने छोटेपन में उस युवा अवस्था में, जबकि युवानों के अंदर एक युवानी का जोश, दुनिया का आकर्षण, अनेक प्रकार के प्रलोभन, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए उस लौकिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपने आप को इस आध्यात्म शक्ति से जागृत किया और छोटी ही आयु में दूसरों को भी प्रेरणा देने के निमित्त बने। आज आपके एक एक संकल्प में इस भारत देश का प्रत्येक देशवासी महान बने, दिव्य बने, वो श्रेष्ठ संकल्पना को साकार करने के लिए समग्र भारत देश में, विदेश में इस आध्यात्मिक क्रांति का ध्वज आप लहरा रहे हैं, तो मैं खूब 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 दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ऐसी प्रेरणा की मूर्ति हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथ ही साथ बाबा के वो रतन दुनिया, उनको जिसने दुनिया के अनेक रंगों को देखा, जिसने दुनिया की अनेक धूप और छाँव के बीच में रहते हुए कहाँ वो बॉलीवुड, कहाँ वो जीवन जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं, लेकिन हर कलाकार अपनी दुनिया में खोया रहता है, उस दुनिया में खोए हुए भी आपने सच्चे दिल से उस ईश्वर पिता को प्राप्त किया और आज दोनों ही दुनियाओं में आप बहुत सुंदर इस संगीत के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। आपका जो आवाज़ है उस आवाज़ में परमात्मा प्रेम और दिल की वो भावनाएं हैं जो सुनने वाले को भी एक सेकंड में इस बॉडी से डिटैच उस अपने शांति धाम घर की मूल अनुभूति की गहराइयों में ले जाता है। आत्मा उस परमात्मा प्रेम में खो जाती है। ऐसी सच्ची कला के कलाकार जिन्होंने इस देशभक्ति के लिए इतना सुंदर गीत लिखा और उस गीत को तैयार करने में 8 मास लगा, आज हम सब के बीच रिलीज़ हुआ, ये खुशी की बात है। उसके लिए ये मैसाना का मंच निमित्त बना, तो मैं खूब खूब दिल से दुआओं के साथ आपका अभिवादन और अभिनंदन पुनः करती हूँ। आपकी ये कला दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और इस देश के वो दुखी और अशांत, टेंशन और डिप्रेशन में रहने वाली आत्माओं को ये संगीत के माध्यम से परमात्मा मिलन की अनुभूति कराती रहें।
ऐसी मेरी दिल की श्रेष्ठ भावना। तो हम हरीश भाई मोयल, मेरे बाजू में बैठी हुई हमारी शर्मिष्ठा बहन, जो खास आज इस कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद से यहाँ पधारे हैं, मेरे साइड पर बैठे हुए माननीय भ्राता त्यागी जी, आपके भी दिव्य और श्रेष्ठ संस्कार हैं। आध्यात्म में आपको रुचि है, कर्तव्य निष्ठा का आप में गुण है, कर्तव्य के प्रति आप जागृत हैं, ऐसे माननीय भ्राता। साथ ही साथ बाबा के पुराने अनन्य रतन माननीय भ्राता दशरथ भाई, केशव भाई, सभा में उपस्थित आप सर्व आमंत्रित मेहमानों, बाबा के सभी बच्चे भाई और बहनें, सचमुच संकल्पों का कितना प्रभाव है, उस संकल्प शक्ति को आपने पहचाना। शक्ति भाई ने हमारी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए आप सबको इस बात को महसूस कराया कि कहाँ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो भी शक्तियाँ हैं वो कहाँ हैं, हमारे अंदर हैं। तो अंतर को हमें जगाना है और उसके लिए अंतर आत्मा को, सेल्फ को रियलाइज करना है। सबका हाथ ऐसे किए हुए दुख रहा था तो सब सोच रहे थे कि ये कहाँ कब बोलेंगे कि हम हाथ नीचे करें, सबको लग रहा था ना कि अब जल्दी बोले हाथ नीचे करने का। लेकिन आपको क्या महसूस कराया, ये जो पुरानी बातें यहाँ रख कर के बैठे हुए हैं तो ये सीधे हाथ के समान है, जैसे इसमें जड़ता आ जाएगी ये सुन हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी, ऐसे ही तकलीफ का कारण आपने जो पुरानी बातें हैं उसको अपने मन के अंदर रखा हुआ है। मैं समझती हूँ लास्ट में जैसे इन्होंने गुड बाय किया, आप सब ने टेंशन को फेंक दिया, तो वो टेंशन से मुक्त कराने वाले शक्ति भाई और आप सब टेंशन से मुक्त होकर के यहाँ से जा रहे हैं। आज तो हुए लेकिन कल की परिस्थितियों में भी आप उस टेंशन को एंटर नहीं होने देंगे, उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन करें। जहाँ भी हैं एक बार आप राज्यों का अभ्यास करो और उसके बाद ये संकल्प करो कि हमें हर रोज सुबह उठते ही जिस ईश्वर पिता ने ये सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज होता है सबसे पहले हम उसको याद करें, और उसकी याद से जब आप अपनी दिनचर्या का आरंभ करेंगे तो सारा दिन आपके जीवन में खुशी रहेगी, आनंद रहेगा। और उस आनंद के लिए जो हरीश भाई के कई गीत हैं आप बहुत अच्छी रीति से सुनेंगे तो उनका अनुभव कर सकेंगे। मैं ये सोच रही थी, हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बापू महात्मा गांधी बने, जब उन्होंने इस भारत का परिभ्रमण किया और किसानों की दुर्दशा देखी तब उनको अंदर से ये संकल्प आया कि मुझे इस भारत को आज़ादी दिलानी है, जिसके पीछे अनेक वीरों ने बलिदानी दी, कुर्बानी की, और आज ये भारत देश स्वतंत्र हुआ। हम सब गर्व से कहते हैं हम भारतवासी स्वतंत्र हैं, हमें इस चीज़ का नाज है कि हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है। भारत के अंदर वो संस्कृति है, आध्यात्म की धरोहर है, और भारत की ये विशेषता है कि इसकी संस्कृति स्वर्णिम और गौरवशाली रही है। अनेकता होते हुए भी एकता, अनेक विविधताओं विचित्रताओं के बीच
एकता और समानता से चलते हैं, ये इस देश की विशेषता है। बापू गांधी के प्रयत्न साकार हुए, लेकिन एक सच्चाई को हम अपने आप से पूछें, क्या सचमुच में इस देश के देशवासी, भारत स्वतंत्र है, हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है, उस तिरंगे के अर्थ को भी हमने समझा, तीनों प्रकार की क्रांति को शक्तिबाई ने क्लियर किया, क्योंकि इसकी जो संस्कृति महान है उसका कारण है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए यहाँ ये गाया जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो खेती उत्तम थी, सात्विक अन्न था, जैसा अन्न वैसा मन था, खाने वाले भी सात्विक और श्रेष्ठ व्यवहार वाले थे। शने शने काल चक्र में परिवर्तन आया और उत्तम खेती की जगह आज हमने खेती को विषैला कर दिया है, और इतना विषैला कर दिया है, जानते हैं इतने उसके अंदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, जिसने मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर दिया है। नए नए रोग, नए नए बीमारियां आज समाज में है। पुनः इस झंडे की आन और वान शान को बनाए रखने के लिए हमें अपने इस भारत देश के अंदर विष मुक्त खेती करने की आवश्यकता है, तब ये जो हरित क्रांति है उस हरित क्रांति को हम सर्वोच्च गिनेंगे। श्वेत क्रांति दूध में, भारत ने पहले डेनमार्क आगे था, आज भारत ने उसमें प्रथम स्थान ले लिया है, लेकिन आता है उसमें भी कई प्रकार की मिलावट, और तीसरी हमारी आध्यात्मिक क्रांति। तो झंडे को तो हमने समझा, भारत की आज़ादी को भी देखा, प्रश्न केवल इतना है, क्या इस देश के देशवासी, भारतवासी स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र हैं? आज कोई व्यसनों के वशीभूत है, कोई विकारों के वशीभूत है, कोई फैशन के वशीभूत है, हमारा अपने पर कंट्रोल नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे से कोई बुरा कर्म हो, पर जो नहीं चाहते हैं वही हमारे से हो रहा है। हर मानव दुखी है, उस दुख का मूल कारण है परतंत्रता, और सच्ची स्वतंत्रता तब है, स्व अर्थात आत्मा, तंत्र अर्थात शासन, जब हम स्व पर शासन करना सीखेंगे, हमारी इन कर्मेंद्रियों पर हमारा राज्य होगा, तब हम सच्ची आज़ादी का, सच्ची आज़ादी अर्थात जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इन सब का आनंद ले सकेंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को सच्ची रीति से मनाने के लिए हम आध्यात्म को पहचाने। तो बापू गांधी ने अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई, लेकिन जब भारत राम राज्य नहीं बना, बापू का सपना था कि राम राज्य हो, इस सृष्टि को राम राज्य बनाने के लिए जो सर्व का पिता परमात्मा, सर्व शक्तिवान है, वो अवतरित हो चुका है, और अवतरित होकर के राम राज्य की स्थापना का कर्तव्य कर रहा है। बापू ने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, शिव पिता, विश्व पिता बापू ने हम आत्माओं को, जिसमें आज हमारी भारत माता भी कितनी बेड़ियों में बंधी हुई है, मानव भी बंधा हुआ है, उन कमजोरियों से मुक्ति दिला करके सच्चे स्वराज्य, राम राज्य की स्थापना का कार्य परमात्मा पिता कर रहे हैं। इसीलिए
विद्यालय ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर के ये योजना है, भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर, ये योजना के तहत समग्र भारत देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियां जागृत हों, वो अपने आप को व्यसन और विकारों से मुक्त कर इस सच्ची आज़ादी का अनुभव कर सके, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज भी उसी के तहत यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आप सभी ने बहुत ही रुचि से भाग लिया और कुछ ना कुछ प्रेरणाएं, संकल्प आपको प्राप्त हुए होंगे। तो चलो हम और आप सब मिलकर के इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का एक संकल्प लें कि मैं आज से किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध मुक्त बनकर के अनेकों को शांति और शक्ति की प्रेरणाएं दूंगा। क्योंकि व्यक्ति के अंदर को क्रोध को अग्नि कहा जाता है, अनेक शक्तियों को समाप्त कर देता है। मैं आत्मा, हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। अभी त्यागी जी बोल रहे थे कि किसी भी बहनों के साथ ऐसा हो या फ़ोन पर ऐसा कुछ होता हो, तो ये सारी विकृतियों को ख़त्म करने की शक्ति इस अध्यात्म में है। तो हम वो संकल्प कर अपने देश की जो आन बान शान है, इस देश के अंदर देवी देवताओं का राज्य था, कृष्ण जैसा कन्हैया वो इसी देश का था, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम वो भारत भूमि पर था, पर आज का युवान हाथ में सिगरेट है, गुटखा है, किस हालत में घूम रहा है। और तो और यूनिक और फैशन ने उसकी आकृति और को बिल्कुल विकृति में, कपड़े भी कैसे पहनने के, कपड़े कैसे पहनने के, अच्छे कपड़े को फाड़ कर पहनने का, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ, क्योंकि मन भटका हुआ है और उसको हम गौरव समझ रहे हैं, उसको हम स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। कहाँ ये सुंदर मूर्ति श्री कृष्ण, देखो तो इसकी सुंदरता, इसकी दिव्यता। और कहाँ आज का ये युवान, तो किस चीज की आवश्यकता है? भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए हमें खुद को जगाना है, और जब ये अंतर चेतना जगेगी तो उस कार्य को करने के लिए विश्व पिता बापू श्री बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। तो हम पुनः इस भारत को स्वर्णिम और स्वर्ग बना कर के छोड़ेंगे, इस दृढ़ और श्रेष्ठ भावनाओं के साथ मैं पुनः पुनः वक्ताओं का और आप सभी का आभार और शुक्रिया व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय दीदी जी का, आपके वाक्य हमारे जीवन के लिए महावाक्य बन जाते हैं। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, सौ सौ जन्म है जिस पर नौछावर, ये भारत देश महान है। इस महान भारत की भूमि के हम जन जन महान बने, जिसके लिए आपने हमेशा प्रेरणा दी है और देते ही रहे हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, शुरुआत की तरह अंत में हम मिल करके परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे। भ्राता हरीश भाई जी एक सुंदर गीत गाएंगे, उनके सुर हमें परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, और ये कार्यक्रम जो है वो अपने अंतिम चरण में प्रयाण करेंगे। बच्चे का बर्थडे है, हम सब साथ में सामूहिक बर्थडे मनाएंगे।
दो मिनट सुन सकते क्या दीदी? वो पियानो लगाया उसने, हाँ फिर उसके बाद, क्योंकि बच्चों को अगर नाराज किया तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं।
सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर, सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर, तेरे हर हद नाद के धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, तेरे हर हद नाद के धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है, इस मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है, तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलो तक उड़ जाता है, मन मिलो तक उड़ जाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता आनंद अलौकिक पाता। तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में, मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, सब थम से गए तुझे झरने की कलकल में, मन के शोर सब थम से गए तुझे की कलकल में, सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में, जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन खुशियों से भर जाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन मिलो तक उड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता मन खुशियों से भर जाता है। ओम शांति। कार्यक्रम अहीं पूर्ण थाय छे, खूब खूब धन्यवाद सौनो। मंचस्थ मेहमानों ने ईश्वरीय सौगात अपाई रही छे। Thank you.
घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।